हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं सेट्स पर। सेट्स के इतने सारे लेक्चर हमने बात कर लिया था, अब हम उसमें भी और आगे प्रॉब्लम्स पर बात करने जा रहे हैं। बीच में हमने रिलेशन चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, लेकिन सेट्स के क्वेश्चन कुछ बाकी हैं जिन पर हमें बात करनी है। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेट्स के ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो, आप आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन है क्या है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना है आपको, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, कह रहे कि इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल का सर्वे करते हैं, तो इसका मतलब कह रहे हैं कि हमें गिवन है कि एन ऑफ यू, टोटल गिवन है तो उसको हम एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट एज्यूम करेंगे स्टूडेंट। इसका मतलब उसमें पूरे 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 को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 60। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। स्टूडेंट कह रहे हैं कि इट वॉज फाउंड दैट 28 पीपल हैं जो न्यूज़पेपर एच रीड करते हैं, न्यूज़पेपर एच रीड करते हैं, एंड 26 पीपल हैं जो न्यूज़पेपर टी रीड करते हैं। स्टूडेंट न्यूज़पेपर टी कितने लोग रीड करते हैं, 26 पीपल, एंड 26 पीपल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई रीड करते हैं, न्यूज़पेपर आई कितने लोग रीड करते हैं स्टूडेंट, 26। ओके, एंड स्टूडेंट गिवन है 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच एंड आई कह रहे हैं कि एंड 9 रीड बोथ एच एंड आई, वो कितने हैं स्टूडेंट, 9 है। ओके, एंड कह रहे हैं कि 11 रीड बोथ एच एंड टी, बोथ H and T कितने लोग रीड कर रहे हैं स्टूडेंट, 11 पीपल ऐसे हैं जो H and T दोनों ही रीड कर रहे हैं, एंड T and I कह रहे हैं कि 8 पीपल ऐसे हैं जो T and I दोनों ही रीड कर रहे हैं, 8, एंड स्टूडेंट कह रहे हैं कि 3 पर्सन ऐसे हैं जो सारे के सारे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, वो बिल्कुल खाली लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं, तीन न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, इतनी सारी बात तो गिवन थी कि एक सर्वे किया 60 पीपल का, तो उसमें एच न्यूज़पेपर रीड करने वाले 25 थे, टी न्यूज़पेपर रीड करने वाले 26 थे, आई न्यूज़पेपर रीड करने वाले 26, एच एंड आई 9%, एच एंड टी 11%, टी एंड आई 8%, तीनों न्यूज़पेपर 3 लोग रीड करते थे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट पार्ट आप देखो, कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ पीपल आपको बताने हैं जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड करते हो, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर जो रीड करते हो। सेकंड बताने हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ पीपल बताने हैं जो न्यूज़पेपर एच ओनली रीड करते हो, एच ओनली रीड करते हो, ये सेकंड पार्ट है, ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट है। ओके, कह रहे हैं कि ऐसे लोग बताने हैं जो न्यूज़पेपर टी ओनली, केवल टी न्यूज़पेपर रीड करते हो। ओके बच्चों, ओके बच्चों, फोर्थ क्या है स्टूडेंट, एंड न्यूज़पेपर आई ओनली, केवल आई ओनली रीड करते हो स्टूडेंट। फिर हमें बताने हैं नेक्स्ट पार्ट, कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट हमें बताने हैं एटलीस्ट टू, ऐसे लोग कितने हैं जो कम से कम दो न्यूज़पेपर रीड करते हैं स्टूडेंट। हमें नेक्स्ट पार्ट बताने हैं, कह रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर रीड करते हैं, एग्जैक्टली टू न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट एट्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, एट्थ पार्ट में कह रहे हैं कि ऐसे लोग बताओ जो न्यूज़पेपर रीड ही नहीं करते, नैन ऑफ, ऐसे लोगों के बारे में बताना है बच्चों जो न्यूज़पेपर रीड ही नहीं करते। देखो आप, गिवन की कहानी मैंने आपको बता दी कैसे नोट करते हैं, अब क्वेश्चन हमें फाइंड करना है स्टूडेंट। इन सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आप थ्योरम नंबर 2 जो मैंने आपको बताया था, 3 सेट से रिलेटेड कार्डिनल बेस फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे, अगर उन फॉर्मूलों के साथ जाएं तो बड़े ही इजीली आंसर आ जाता है। ओके, बड़े ही इजीली स्टूडेंट आंसर आ जाता है, बड़े ही इजीली आंसर आ जाएगा। कैसे कैसे करेंगे स्टूडेंट, कैसे आएगा आंसर, आप देखो इन सारे क्वेश्चन का आंसर उस फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड कर लेंगे। कैसे स्टूडेंट, आप देखो एटलीस्ट वन का क्या फॉर्मूला था, एटलीस्ट वन का क्या फॉर्मूला था, सिंगल 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 प्लस, सिंगल 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 प्लस, एंड पेयर 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 माइनस, पेयर 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 माइनस, एंड स्टूडेंट उसके बाद ट्रिपलेट प्लस। इसी को सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट, इसी को सिंप्लीफाई करना है।
आगे बात समझ करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ गया 52। ओके स्टूडेंट, कह रहे 52 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो रीड करते हैं। ओके बच्चों, एच ओनली की बात करें तो एच देखो आप सिंगल वाले प्लस एंड पेयर में जहां जहां एच है वो माइनस, जहां जहां एच है वो माइनस और ट्रिपलेट में प्लस। स्टूडेंट आप देखो यहां पे कितना, ये 20 इसमें से माइनस कर दें तो 538। ओके बच्चों, टी ओनली की बात करें तो सिंगल प्लस, जहां जहां टी है पेयर में माइनस 11 एंड 8 एंड ट्रिपलेट प्लस। ओके स्टूडेंट आप देखो यहां से कितना होगा, 11 8 19, 26 से 19 माइनस करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 7, 7 प्लस 3 कितना होगा स्टूडेंट 10। ओके ओके स्टूडेंट, आई ओनली की बात कर रहे हैं, आई ओनली के लिए आई सिंगल प्लस और जहां जहां आई है वो पेयर वाले माइनस, माइनस 9 माइनस 8। ओके बच्चों, ओके एंड प्लस, ट्रिपलेट को प्लस करते हैं। ओके यहां से कितना हो जाएगा, 16 से 17 माइनस करेंगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा 16 से, आप पहले 26 में 3 प्लस कर लो 30, 30 से 17 स्टूडेंट, 30 से 17 29 से 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 29 से 17 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 12। ओके बच्चों, एग्जैक्टली वन में क्या करते थे, सिंगल 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 प्लस, सिंगल 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 प्लस स्टूडेंट, सिंगल 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 प्लस एंड पेयर का डबल करके हम माइनस करते थे तो माइनस 18 माइनस 22 माइनस माइनस 16 माइनस 16 एंड ट्रिपलेट का थ्राइस से प्लस करते थे। ओके बच्चों, यहां से देखो आप यहां से कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 30। ओके बच्चों, एटलीस्ट टू की बात जब हम करते थे स्टूडेंट क्या करते थे, पेयर 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 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 8, 9 प्लस 11 प्लस 8 एंड माइनस ट्वाइस ऑफ ट्रिपलेट, एटलीस्ट टू में हम माइनस ट्वाइस ऑफ ट्रिपलेट करते थे तो ये 28, 28 माइनस 6 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 22 एंड एग्जैक्टली टू के लिए पेयर 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 प्लस पेयर 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 प्लस एंड माइनस थ्राइस ऑफ ट्रिपलेट। ओके स्टूडेंट, 28 से 9 माइनस करेंगे स्टूडेंट कितना होगा 28 से हमने 6 माइनस किया तो 22, 28 से स्टूडेंट हम 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 19। ओके बच्चों, एंड नन ऑफ की बात कर रहे हैं स्टूडेंट तो नन ऑफ में क्या होगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ यूनियन, यूनियन में क्या है स्टूडेंट एच यूनियन टी यूनियन आई, वो क्या है एटलीस्ट वन कितना है 60 माइनस 52 तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना आ गया 8। ओके बच्चों, स्टूडेंट आप देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इसमें क्या है, गिवन बात हमने नोट कर ली और थ्योरम नंबर 2 के फॉर्मूले रट के रखने, उसी में वैल्यू हमें प्लेस करनी, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा फॉर्मूले में, बस हमें वैल्यू प्लेस करनी, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, आंसर आ जाएगा, आप देखो इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 52, इसका आंसर कितना आ गया 8, इसका आंसर कितना है 10, इसका आंसर कितना है 12, इसका आंसर कितना है 30, इसका आंसर कितना है 22, इसका आंसर आया 19 और स्टूडेंट इसका आंसर कितना है 8, स्टूडेंट इसका आंसर कितना आया है 8। ओके बच्चों, हमने फॉर्मूले से तो सबका आंसर पता कर लिया, अब एक मेथड मैं आपको और भी बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, वेन डायग्राम मेथड। लास्ट लेक्चर में सेट्स के मैंने आपको बता दिया था कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम आज सीखने जा रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बात हम सीखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो किसी को कोई भी आप रूल अप्लाई कर दो, अपनी मर्जी है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो अगर मेंशन है तो उसी से करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों ही मेथड एनसीईआरटी के हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, तो आप देखो इनका आंसर तो हमने फाइंड कर लिया है स्टूडेंट, अब हम इसी को वेन डायग्राम से फाइंड करना चाहते हैं, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम क्या फॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट ये किसको प्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को, ये है यू स्टूडेंट, ये क्या है यूनिवर्सल सेट और इसमें सेट कितने हैं, थ्री सेट हैं, तो थ्री सेट को बेसिकली हम सर्कल से प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, सेट को हम किस से प्रेजेंट करते हैं, सर्कल से एच टी एन आई स्टूडेंट, कैसे प्रेजेंट कर दिया, एच टी एन आई, एच टी एन आई। ओके
स्टूडेंट वेन डायग्राम से जब ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना बहुत आसान है। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर थ्री सेट्स बना लेंगे। बनाने के बाद अब वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट, अब इसमें देखो आप वैल्यू प्लेस करनी, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? लास्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में जो तीनों का इंटरसेक्शन वहां से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आप देखो तीनों का कॉमन एरिया ये है, तीनों का कॉमन एरिया ये है, यहां पे कितने एलिमेंट? थ्री। तीनों में कॉमन जो है वो कितने हैं? थ्री। ओके, अब इसका नंबर है, इसका नंबर है स्टूडेंट आप देखो, इसका हो गया, ये कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसका नंबर है आप देखो टी एन आई, टी एन आई का कॉमन स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं टी एन आई का कॉमन, ये टी एन आई का कॉमन है। उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए स्टूडेंट? एट। कितने एलिमेंट होने चाहिए? एट। तो थ्री तो पहले से है, तो फाइव और मेंशन कर दिया हमने। ओके प्यारे बच्चों, फाइव और भी मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इसके पास एच एन टी, एच एन टी स्टूडेंट आप देखो एच और टी का कॉमन ये वाला रीजन है, उसमें कितने लिखने? इलेवन। तो कह रहे थ्री तो पहले से ही है, एट और मेंशन कर दें, तो स्टूडेंट ये क्या हो गया? एट थ्री, एट थ्री मिला के टोटल इस वाले रीजन में इलेवन होने चाहिए थे, वो हो गए। अब इसका नंबर है एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई दैट मींस इस वाले पोर्शन में स्टूडेंट कितना रखना है? नाइन। तो थ्री यहां पे है, तो सिक्स और लिख दिया, टोटल मिला के नाइन है वहां पर। तो थ्री पहले से है, तो सिक्स और लिख दिया, तो टोटल नाइन हो गए। ओके प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं। आप देखो आई में टोटल 26 होने चाहिए, तो आई में देखो आप कितने हो गए? 5, 3, 8, 8, 6 कितना? 14, पूरे आई में 26 है, तो 12 और रख दिया, 14 और 12 मिलके अब 26 हो गए। ओके बच्चों, आई में टोटल 26 है, तो 26 हो गए। अब क्या करने है? टी का नंबर है, टी का नंबर है बच्चों, टी का नंबर क्या है? टी में 26, 8, 3, 11, 5, 16, तो 10 और रख दिए, अब टोटल ये 26 टी में हो गया। 25 एच में रखने बच्चों, तो आप देखो 8, 3 कितना हो गया? 8, 3, 11, 11, 6 कितना हो गया बच्चों? 17, 17 में 8 और मिला दें, तो कितना हो गया ये? कितना हो गया बच्चों? कितना हो गया? अब जाके ये टोटल हो गया, ये पूरी बात हमने फिल कर ली है। अब क्या करना है? अब क्या करना है देखो आप बच्चों, क्या करेंगे? यूनियन की अप्रोच क्या थी? यूनियन की अप्रोच, एटलीस्ट वन की मीनिंग मैंने आपको बताई, यूनियन होता है, यूनियन की क्या अप्रोच थी बच्चों? यूनियन की अप्रोच थी एक का कंप्लीट, तो इसका कंप्लीट तो ये रहा 25, प्लस भी नहीं करना है, वो हमें गिवन है, वहीं से कॉपी कर लिया। एक का कंप्लीट, दूसरे का रिमेनिंग, दूसरे का रिमेनिंग 10+5 एंड दूसरे के बाद तीसरे का रिमेनिंग। ओके स्टूडेंट, तीसरे का रिमेनिंग, अब इसको आप जरा प्लस कर लो, ये कितना हो गया स्टूडेंट? 25 और 40, ये कितना हो गया? 25, 30 एंड 40 एंड 52। आंसर देखो आप स्टूडेंट, वही आ रहा है जो 52 जो फॉर्मूले से आंसर आया था। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम, पहले वेन डायग्राम बनाना है, फिर एटलीस्ट वन का मतलब यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन कैसे फाइंड करते थे स्टूडेंट? वो प्राइमरी अप्रोच जो थी, एक का कंप्लीट, दूसरे का रिमेनिंग, तीसरे का रिमेनिंग, डेफिनेशन अप्लाई की, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर इन द केस फॉर्मूला भूल जाए तो हम इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एच ओनली स्टूडेंट, एच ओनली, अकेला एच, कह रहे एच ओनली दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, एच ओनली इस वाले रीजन में कितने हैं? 8। ये लो आप स्टूडेंट, बिना फॉर्मूले के ही आंसर रेडी है। पहले हमने फॉर्मूले से फाइंड किया था, अब वेन डायग्राम से। टी ओनली स्टूडेंट, टी ओनली में आप देखो, टी ओनली, बाकी किसी के साथ वो नहीं होनी चाहिए, ये केवल टी के साथ है, तो इसका आंसर क्या है? 10। आप देखो स्टूडेंट, पहले हमने फॉर्मूले से पता किया था, अब वेन डायग्राम से डायरेक्ट ही आंसर आ जा रहा है। एंड उसके बाद आई ओनली में कितने हैं? आई ओनली में स्टूडेंट 12 हैं, आई ओनली में, अकेले आई में कितने हैं? 12। ये फॉर्मूले से, ये वेन डायग्राम से। एग्जैक्टली वन स्टूडेंट, एग्जैक्टली वन में क्या करें कि जो एक एक में हो, वन वन में हो, तो उनको जरा प्लस करो आप, 8+10+12 वो कितना आ गया? 30। आप देखो स्टूडेंट, फॉर्मूले से भी 30 ही आ रहा था, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, एक ही आंसर आएगा। एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू का मतलब टू वाले तो लेंगे ही, हम थ्री वाले भी लेंगे, तो 6+8+5 एंड +3 कितना हो गया स्टूडेंट? 8, 6 कितना? 14, 14, 5 कितना? 19, 19, 3 कितना? 22। स्टूडेंट आप देखो वही आंसर आ रहा है।
एटलीस्ट टू का मतलब टू वाले तो लेंगे, थ्री वाले भी लेंगे। ओके बच्चों, एग्जैक्टली टू में अब थ्री नहीं लेंगे, केवल यही थ्री आएंगे, एट प्लस सिक्स प्लस फाइव। स्टूडेंट ये कितना हो गया, एट सिक्स फोर्टीन फाइव नाइनटीन। स्टूडेंट आप देखो फॉर्मूले से भी 19 ही आंसर आ रहा था, फॉर्मूले से भी 19 ही आ रहा था। नन के लिए स्टूडेंट क्या करना होगा, अगर ये हमें पता चल गया है कितना 52 और टोटल है 60, तो 52 माइनस कर दिया 8। ओके बच्चों, ओके ये बात क्लियर है आपको, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखो अभी अभी हमने क्या काम किया, थ्री सेट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। हमें ये सारी बातें गिवन थी, हमें ये सारे पार्ट फाइंड करने हैं, तो थ्योरम टू के फॉर्मूले की हेल्प भी ले सकते हैं। थ्योरम टू से जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से भी आंसर हम फाइंड कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, दोनों तरीके से एक ही आंसर आएगा। ओके प्यारे बच्चों, अगर ये बात पूरी आपको, मुझे जितनी भी बात मैंने बताई वो समझ आई हो तो वीडियो लाइक भी करना है। ओके आप देखो ये फॉर्मूले से आंसर ये है, फॉर्मूला लर्न करना होगा। इन द केस फॉर्मूला भूल जाए तो वेन डायग्राम से करेंगे। वेन डायग्राम कैसे बना रहे हैं, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। रेक्टेंगल के बाद थ्री सेट्स हम सर्कल से फॉर्म कर रहे हैं। सर्कल से फॉर्म करने के बाद बच्चों क्या कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, आप देखो सबसे लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम फिल करना। पहले हमने इस एलिमेंट को फिल किया, फिर देखा कि इसको और इसको मिला के कितने होंगे 5, 3, 8, और इसमें कितना और मिला दें कि 11 हो जाए। देखो आप 3 और 8 मिला दिया 11, इसमें कितना और मिला दें कि 9 हो जाए तो 6। ऐसे पहले हमने वेन डायग्राम फॉर्म किया, फिर जो मीनिंग हम जानते थे उसी मीनिंग के थ्रू हमने अप्रोच की, बिना फॉर्मूले के ही आंसर रेडी है। ओके बच्चों, अब मुझे लगता है कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। वेन डायग्राम से हम इजीली आंसर बता सकते हैं। एनडीए जैसे क्वेश्चन एग्जाम में एक पूरा पैराग्राफ आता है, इस पर पैराग्राफ आता है, वेन डायग्राम से हम तुरंत आंसर बता सकते हैं। आपको पता है ना स्टूडेंट, एनडीए जैसे एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, और अगर मैथ्स नहीं पास कर पाया कोई तो उसका आगे का पेपर चेक ही नहीं होता। तो मैथमेटिक्स पास करने के लिए आपको छोटी छोटी अप्रोच की जरूरत पड़ेगी, जिससे आंसर जल्दी आ जाए। ओके तो ये बात सीखनी है, आगे फिर हम बात करेंगे। ओके थैंक यू।